शहर के किट्टू परी ज्वेलरी दुकान से 2 महीने पहले 50 लाख सोना की चोरी हुई थी। एक कपड़ा दुकान से भी 13 लाख की चोरी हुई थी। इस चोरी का गढ़वा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों कांडों का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सदर थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SDPO अवध कुमार यादव ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने सासाराम से संजय सोनी नाम के एक ज्वेलरी दुकानदार को भी पकड़ा है, जिसने चोरी के सामानों को खरीदा था, ये चोरी का माल लगातार खरीदता था। ये जानकारी भी निकल कर आई है। पहले भी कई एक मौकों पर वो चोरी के ज्वेलरी या दूसरे सामान खरीद चुका था, तो उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। अक्टूबर और दिसंबर माह में शहर में 2 बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी की घटना को उद्भेदन के लिए SP सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए उन दोनों कांड में संलिप्त अलग अलग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गवर रॉकी मोहल्ला में चोरी गए 50 लाख के ज्वेलर किट्टू परी ज्वेलर्स के 50 लाख के मूल्य के ज्वेलर्स ज्वेलरी और बाबा टेक्सटाइल यहाँ से 13। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।